इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साहिबाबाद से पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा जी। सर, आप आज किसानों को समर्थन देने के लिए जा रहे हैं, कितने लोग आप समर्थन देने के लिए जा रहे हैं और कहां पर जा रहे हैं? आज देखिए, हम यहाँ राजेंद्र नगर में सब लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, नरेश शर्मा जी के नेतृत्व में सभी लोग एकत्रित हैं। हज़ारों लोग यहाँ पर सुबह से ही इकट्ठा हुए हैं और हमने डिसाइड किया है कि भाई, वैसे तो हम किसान हैं ही हैं और किसानों के साथ हैं, लेकिन हमारा दायित्व बनता है किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम आज यूपी गेट के ऊपर जाके और उनको अपना समर्थन दे आएँ। सरकार लगातार आरोप लगा रही कि जो विपक्ष है इसमें राजनीति रोटियां सेकने की प्रयास कर रहा है, किसानों का जो है ये मुद्दा मिल गया है विपक्ष को। अगर सरकार ऐसे आरोप लगा रही है, मेरा सरकार से एक सवाल है कि जब उनको दिख रहा है कि ये रोटियां सेकने का मुद्दा विपक्ष को मिल रहा है, तो इस मुद्दे को सरकार ख़त्म कर दे तो विपक्ष अपने आप घर में बैठ जाएगा। क्यों नहीं सरकार कर देती है इस काम को? इसका मतलब निश्चित रूप से सरकार का कहने का कुछ और अर्थ है और करने का कुछ और अर्थ है। तो अभी आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं समर्थन देने के लिए? गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे, सिंघू बॉर्डर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे आप लोग? हम लोग यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे, यूपी बॉर्डर के ऊपर, वहीं जाके समर्थन देकर आएंगे। लेकिन सरकार ने तो वहाँ पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग्स कर रखी है, आपको लगता है कि आपको अंदर जाने दिया जाएगा? नहीं, हम निकल जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं रात दिन, हमें मालूम है कहाँ से निकलना है। हम निकल जाएंगे, पहुँच जाएंगे हम वहाँ पर। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आप लोग समर्थन देने के लिए आज ही क्यों जा रहे हैं? इससे पहले 70-72 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, लेकिन आप आज ही समय आपको क्यों मिला है? आज क्योंकि ये घोषणा हुई है कि कल सब में चक्का जाम करा जाएगा, तो उसमें ये ब्राह्मण समाज भी उनके साथ है, इसलिए आज जा रहे हैं, नहीं तो किसानों के साथ तो शुरू से हैं हम लोग। तो अमरपाल शर्मा जी भी चक्का जाम करेंगे? देखिए, अमरपाल शर्मा नहीं, पूरे देश का हर किसान उस चक्का जाम में इन्वॉल्व होगा। चक्का जाम का मतलब ये नहीं होता है कि आप रोड पर हुड़दंग मचाएं, चक्का जाम का मतलब है 3 घंटे का चक्का जाम है कि 3 घंटे हम अपने व्हीकल को रोक दें तो हम भी गाड़ी नहीं चलाएंगे 3 महीने, तो अपने आप चक्का जाम होगा। इसी प्रकार से 26 जनवरी के दिन कहा गया था कि शांति पूर्व रैली निकाली जाएगी, लेकिन वहां पे तो आपने देखा क्या हुआ था। देखिए, जो 26 तारीख को हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और उसका मैं कभी जीवन में सपोर्टेड नहीं हूँ, लेकिन जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं सरकार भी फेल है। सरकार की इंटेलिजेंसी कहाँ गई थी, सरकार की ताकत कहाँ चली गई थी, चंद लोग किस तरीके से उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात कर रहे थे हमारे साथ अमरपाल शर्मा जी, जिनका कहना है कि 26 तारीख को जो भी हुआ हम उसकी घोर निंदा करते हैं और कल 6 तारीख को हम लोग भी चक्का जाम करेंगे। शुभम गुप्ता, 10 न्यूज़, गाजीबाद। इस देश में सबसे ज्यादा बड़ी समस्या किसान के ऊपर है। नियम कानून बने हैं,